हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी की फूड एंड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी आप लोगों के पास लेके आई हूँ, वो है मैक्रोनी। एक मैक्रोनी, वैसे तो आप मैक्रोनी भी बोल सकती है, पास्ता भी बोल सकती है, बट सब लोग मैक्रोनी ज्यादा बोलती है तो मैं भी मैक्रोनी बोलती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी एक मैक्रोनी। तो सब लोगों के घर में मैक्रोनी बनते भी है और सब लोग खाते भी है और सब लोग बहुत अच्छा बनाती है, बट मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग यकीन मानिए, एक लाइक से, आप लोगों की एक लाइक से, एक कमेंट से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की मन में बहुत चाहत होती है। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी पहले पिंकी किचन था नाम, किचन हटा के थोड़ा सा नाम मैंने चेंज कर दिया है। आशा करती हूँ पहले आप लोगों ने जो मुझे प्यार से, इतनी प्यार से मेरे नाम के साथ लिया, अभी नया नाम से भी आप लोग अच्छे से मुझे सपोर्ट करेंगे। तो ज्यादा बातें नहीं करके चलिए रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं और किचन में चलते हैं मेरी। तो ठीक है, चलिए। तो एक मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर दो एग, और लिया है एक बड़ा साइज का प्याज छोटे छोटे पीसेस करके, और एक छोटे साइज के टोमेटो, और एक गाजर, दो हरा मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता। और मैक्रोनी को मैंने थोड़ा सा बॉईल करके रखा था। बॉईल करना सबको आता है इसलिए मैंने दिखाया नहीं। इसको मैंने पानी में थोड़ा सा नमक देके, जैसे हम चाउमीन बॉईल करते हैं ऐसे बॉईल करके पहले से रख दिया था, क्योंकि पहले से बॉईल करके रखने से बहुत अच्छा होता है, मतलब खिला खिला होता है इसीलिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करती है। आप इसे मैक्रोनी, पास्ता जो भी बोले, मैं तो पास्ता भी बोलती हूँ, मैक्रोनी भी बोलती हूँ। अभी मैं गैस ऑन करके कढ़ाई बिठा दिया है। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा। मैक्रोनी हो या पास्ता सबको बहुत पसंद है और सब खाते भी है, बनाना भी जानते हैं, बट थोड़ा सा सबकी स्टाइल अलग अलग है, इसीलिए मतलब मैंने भी सोचा कि मेरा भी थोड़ा सा स्टाइल अलग है तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा डालूंगी और थोड़ा सा हरी मिर्च डालूंगी, इसको एक बार चला दूंगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करना दे, होने दूंगी, ज्यादा नहीं। और इसमें डाल दूंगी एक, मैंने दो एग इसमें तोड़ के रखा था कटोरी में, क्योंकि कभी कभी हमारा जो एग होता है खराब हो जाती है, मेरे साथ दो तीन बार ऐसा हुआ, इसलिए मैं पहले से ही तोड़ के चेक कर लेती हूँ ठीक है कि नहीं। तो अभी मैं दो अंडा इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको एक बार इसी तरह से चला लेंगे। तो सलाते हुए थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी नमक, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि अंडे में नमक बहुत ज्यादा हो जाती है तो खाने में एकदम अच्छा नहीं लगता। इसको एकदम से मैं भुजिया जैसे बना दूंगी। ये देखिए अंडे को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, अभी इसको मैं कटोरी में निकाल लूंगी। अंडे को मैंने निकाल लिया, अभी इसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा रिफाइन ऑयल। आप चाहे तो एक काम बटर में भी कर सकते हैं। रिफाइन ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। और गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी प्याज जो मैंने काट के रखा था, और मिर्ची, और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा सा इसको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूंगी। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, मैंने ब्राउन नहीं किया, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं, एकदम से थोड़ा सा। और मेरी हल्दी पाउडर एकदम थोड़ा सा देने से कलर बहुत अच्छा आता है। और डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक और इसको एक बार फिर से चला लूंगी। और इसमें ऐड कर दूंगी गाजर जो मैंने काट के रखा है। सब्जी आप आपकी मन पसंद जो चाहे दे सकते हैं। मेरे पास फिलहाल गाजर टोमेटो ये सब था तो इसी से मैंने बनाया। आप चाहे तो बीन मटर ये सब भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ ऐसे ही। गाजर का थोड़ा सा मैंने प्याज के साथ फ्राई कर लिया है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, मैंने आधी चम्मच कस्तूरी मेथी यूज किया है। और आधी चम्मच मिर्ची की पाउडर ऐड करूंगी और फिर से एक बार इसको चला लेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे हम टोमेटो। इसको चलाते रहेंगे, गैस थोड़ा सा कम करके देंगे क्योंकि ज्यादा करने से जल जाएगा, अच्छे से पकेगा नहीं। इसीलिए और इसको थोड़ी देर ऐसे ही मैं कुक होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से मसाले के साथ सारे चीजें फ्राई कर लिया है। टमेटो गाजर प्याज सब अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर देखिए बहुत अच्छा आ रहा है। अभी मैं टोमेटो के थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है इसीलिए इसको ऐसे करके मिक्स कर लेती हूँ। और ये वीडियो मैं शाम को बना रही हूँ, थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब अप डाउन हो रही है, इसलिए कभी कभी अंधेरा हार सकती है तो उसके लिए सॉरी। और हिंदी भी थोड़ा सा अटक जाती हूँ, ज्यादा अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ तो इसके लिए भी सॉरी, आप लोग समझ लीजिएगा। बहुत सारी दोस्त मेरी बोलती है, बाहर की बहुत सारे हिंदी फ्रेंड है, वो लोग बोलते हैं आसामी से एकदम से समझ में नहीं आती। मैं कोई रेसिपी डालती हूँ तो आसामी से, तो हिंदी जो भी हो तो समझ में तो आती है, तो इसीलिए हर कोई हिंदी में भी वीडियो करने के लिए बोलती है। इसीलिए मैं वीडियो हिंदी आसामी दोनों, मतलब एक आसामी एक हिंदी ऐसे बोल के करती हूँ। और देखिए बातों बातों में हमारी जो सब्जी मसाला है फ्राई हो गया है। अभी इसमें मैं ऐड कर लूंगी मैक्रोनी जो मैंने बॉईल करके रखा था। और थोड़ी देर गैस को कम करके देती हूँ और सारे मैक्रोनी में इसमें डाल दूंगी। मैक्रोनी को मैंने डाल दिया है, अभी इसे मसाले के साथ अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। इसी तरह से देखिए मैक्रोनी एकदम खिला खिला बना है, मतलब कभी कभी ज्यादा बॉईल हो जाती है तो बॉईल करने से एकदम जल्दी जल्दी से बना लेती है तो कभी कभी क्या होता है मैक्रोनी ज्यादा बॉईल हो जाती है तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं कभी कभी क्या करती हूँ बॉईल करके एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। बट मैंने अभी आज एक घंटे के लिए नहीं, 10-15 मिनट से पहले ही मैंने बॉईल करके रखा था। और मेरी वीडियो मैं खाना पकाती हूँ तो मेरी वीडियो मेरे हस्बैंड करके देती है, तो वो दुकान में काम करके, तो उसके लिए मैं वेट करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने पहले बॉईल करके रेडी करके रखी हूँ। वो आती है तो जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अभी मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर फ्राई कर लिया है, अभी इसमें डाल दूंगी सॉस, टोमेटो सॉस। मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, सॉस थोड़ा सा ज्यादा है तो अच्छा लगता है खाने में। और फिर से इसको सॉस के साथ एक बार मिक्स कर लूंगी
क्योंकि सॉस देने से कलर जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और सॉस के साथ इसको अच्छे से थोड़ी देर में फ्राई कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से सॉस के साथ इसको फ्राई कर लिया है। ऑलमोस्ट रेडी ही है हमारी मैक्रोनी। अभी इसमें ऐड कर दूंगी अंडा जो मैंने बना के रखे थे, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से अंडे के साथ मिक्स करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी अंडा, मुझे वैसे भी अंडा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मतलब मैं वैसे भी दो अंडा वैसे ही मतलब अच्छा लगता है, इसलिए मैं अंडे बहुत मतलब फेवरेट है। मैं क्या बोलूं, वैसे तो बिना अंडे से भी सब्जी के साथ बना सकते हैं। वो लोग बहुत सारे लोग हैं अंडे नहीं खाते हैं, तो ये हमारे हो गए हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर, धनिया जो काट के रखा था, सॉरी धनिया पाउडर निकल रहा था मुख से, और इसको अच्छे से हो गया है। अभी मैं गैस बंद कर लेती हूँ, क्योंकि धनिया हमारे देने से देने के बाद इसको इतना फ्राई नहीं करना चाहिए, इसलिए और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं प्लेटिंग करूंगी, इसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरी एक मैक्रोनी रेडी हो गई है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और ये देखने में जितना अच्छा लग रही है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। और जो नया मेरी वीडियो देख रही है, अगर मेरी वीडियो देख के आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही हिंदी अटक रही है, तो इसके लिए फिर से एक बार सॉरी, क्योंकि आसामी इसमें बोलने में एकदम नहीं प्रॉब्लम होती है, जल्दी से अच्छे से बोल लेती हूँ, बट हिंदी में एकदम बोल नहीं पाती, तो इसलिए फिर से एक बार सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से एक नई रेसिपी आप लोगों के पास लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।